होली में रंग का ही यूज क्यों किया जाता है? विराट कोहली का ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई भी प्लेयर तोड़ना नहीं चाहता, वो कौन सा रिकॉर्ड है? क्या आपको पता है आईफोन से चार्जर निकालने की वजह से एप्पल को कितना बड़ा नुकसान हुआ? और ग्लास आखिर रेत से कैसे बनता है? इसका प्रोसेस जानने के बाद आप शॉक में आ जाओगे। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 25, हम इंसान एनिमल्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, फिर भी एनिमल्स कुछ नहीं करते, पर कई बार ऐसा नहीं होता। जैसे कि एक सर्कस से भागे टाइगर ने 192 से लेके 197 के बीच में 434 इंसानों को मार दिया था, और ये इंडिया में ही हुआ था। नंबर 24, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिया में तो नहीं पर बाहर के कंट्रीज में बहुत होती है। जैसे कि अगर आपके सामने दो केस हैं, तो जिस केस में जो विक्टिम ज्यादा अट्रैक्टिव है उसका केस पहले रिपोर्ट किया जाएगा, और मेनली जो एवरेज दिखता है उसका केस लास्ट में रिपोर्ट किया जाता है या बिल्कुल ही रिपोर्ट नहीं किया जाता है। नंबर 23, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब भी आप किसी पैक्ड चीज को खोलने की कोशिश करो और वो खुले ही नहीं, फिर आपको अजीब सा ही गुस्सा आता है और उस पैकेट को खोलना और भी मुश्किल हो जाता है? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ होगा। और क्या आपको पता है ये एक बीमारी है जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों को होता है, जिसे कहा जाता है रैप रेज, और इसमें जो आपको गुस्सा होता है वो किसी झगड़े में हुए गुस्से से भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है। कितनी अजीब बात है, इतना छोटा सा वेफर का पैकेट आपको इतना गुस्सा दिला सकता है। नंबर 22, एक लायन अपने जीवन में कभी भी घास नहीं खाता, भले ही वो कितना भी भूखा हो जाए, ये एक फैक्ट है। और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए, भले ही कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपकी जिंदगी में, आपको कभी भी अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना चाहिए। और मैं ईगो और एटीट्यूड नहीं बल्कि स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। नंबर 21, अगर कभी भी आपने ये चीज सुनी है कि वहाँ जाके क्या करेंगे, हवा खाएंगे, तो इस चीज को मजाक में लिया होगा, पर आज के बाद नहीं लोगे, क्योंकि ऑक्सीजन बार अब कोई मजाक नहीं है। दिल्ली में दुनिया का सबसे पहला ऑक्सीजन बार खुल चुका है, जहां बस 300 रुपए में 15 मिनट तक एकदम प्योर ऑक्सीजन का मजा ले सकती है। और उससे भी कमाल की बात तो ये है कि इसमें 4 से 5 अलग अलग फ्लेवर्स भी है, कमाल है ना। नंबर 20, क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में ऑरेंज खाया है? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स खाया है, तो मे बी आप गलत हो, क्योंकि इस फोटो को देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये ऑरेंज नहीं, ये है टैंजरीन, जिसे शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में खा के ऑरेंज समझा होगा। तो ऑरेंज कैसा होता है, जरा इस इमेज को देखो, लेफ्ट में है टैंजरीन और राइट में है ऑरेंज, और आप यहाँ देख सकते हो कि टैंजरीन और ऑरेंज में कितना फर्क होता है। नंबर 19, विराट कोहली अच्छे कैप्टन और वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं, पर पिछले मैच में कैच छोड़ने के बाद उन्होंने एक ऐसा क्रिकेट रिकॉर्ड बनाया जो कोई भी फील्डर कभी भी नहीं बनाना चाहता। उन्होंने 2019 से अब तक 15 में से 9 कैच पकड़े हैं और 6 छोड़ दिए हैं, और उनके बाद क्रिस जॉर्डन है जिन्होंने 20 में से 15 कैचेस पकड़े हैं और 5 छोड़े हैं। नंबर 18, यूक्रेन के कपल ने अपने आप को हैंडकफ्स यानी कि हथकड़ी से बांध दिया, और ये लोग खाना पीना यहाँ तक कि इंटरनेट पे ब्राउज भी साथ में करते हैं, और ये लोग इस चीज को 3 महीने तक करने वाले हैं और ऑलमोस्ट 1 मंथ कम्प्लीट होने को आया है। नंबर 17, आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो कई सारे फोटोज में देखा होगा, और क्या आप ये जानते हो कि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर भी जा सकते हो, और तो और आप उनके क्राउन तक भी जा सकते हो। हाँ, बस उधर तक जाने के लिए आपको 354 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी, और उसके टॉप में इतना भी कुछ खास नहीं है, बस एक छोटा सा रूम है और बस 25 विंडोज हैं। तो क्या आप उतना ऊपर जाना चाहोगे बस विंडोज और एक हाई व्यू देखने के लिए? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 16, जब भी हम वॉशरूम जाते हैं भले ही बस पी करने के लिए, फिर भी हम एक बकेट जितना वाटर यूज करते हैं, और ह्यूमन एवरेज दिन में 3 बार यूरिन करने जाता है, और ऐसे में जब आप नहा रहे हो और उसी टाइम आप पी कर लो, तो एक आदमी यूजुअली हर साल 2000 लीटर पानी बचाएगा। नंबर 15, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी मुर्गी है जो ड्रैगन चिकन है, जरा इसे देखो, ये एक बहुत ही रेयर चिकन की स्पीसीज है जिसे डोंग टाओ चिकन या फेमसली ड्रैगन चिकन कहा जाता है, और ये पूरी दुनिया में बस एक ही जगह मिलती है, वो है डोंग टाओ। इसे ड्रैगन चिकन इसके लेग्स और इसके सर में बने रिवर्स स्केल की वजह से कहा जाता है। नंबर 14, जरा ये ट्रीज की फोटो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये पेड़ पे किसी ने ड्राइंग की है, किसी को भी पहली नजर में यही लगेगा, पर इसके पीछे कोई और राज है। ये एक स्पेशल टाइप का पेड़ है जिसे एस्पन ट्री कहा जाता है, और इस पे किसी ने ड्राइंग या कार्विंग नहीं की है, ये नेचुरली ही ग्रो करते करते ऐसे ह्यूमन आई शेप बना लेता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है ये किसी को भी पक्के तरीके से पता नहीं। नंबर 13, इंडिया में आप किसी भी बड़े से बड़े मॉन्यूमेंट
पिलर को देखने जाओ, आपको एक ना एक जगह दिल बना हुआ दिख जाएगा जिसपे दो प्रेमी का नाम लिखा होगा। अब जरा इस फोटो को देखिए, टॉम क्रूज को इग्नोर करिए और उसके नीचे देखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप की फोटो है और लोगों ने इस जगह को भी खाली नहीं छोड़ा, यहाँ भी अपने प्यार की निशानी बना के गए हैं। यानी इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। नंबर 12, इंटरनेट पे लोगों को ट्रोल करना आसान है पर हर चीज की लिमिट होती है, जिसे इस जापानी बाइकर गर्ल या कहूं अंकल ने क्रॉस कर दिया। ये पिछले एक साल से इंस्टा पे बाइकर गर्ल बन के लोगों को उल्लू बना रहे थे और फेस कैम ऐप से गर्ल बन के वीडियो और फोटोज अपलोड कर रहे थे और करीब 20 के इंस्टा फॉलोअर्स भी बढ़ा लिए थे। फिर एक फॉलोअर ने इनका फेस रियल मिरर पे पकड़ लिया और तब पता चला कि ये कोई कूल बाइकर गर्ल नहीं बल्कि ये तो 50 साल के एक अंकल हैं जो कि सबको उल्लू बना रहे थे। नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया में सिगरेट और ये सब एडिक्शंस काफी महंगे मिलते हैं, जैसे कि ये फोटो देखो, ये कंपैरिजन है एक सिगरेट पैकेट के प्राइस में ऑस्ट्रेलिया में आप कितने हेल्दी चीजें ले सकते हो, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कॉमन है इतना महंगा होने के बाद भी। नंबर 10, आप कल के कोइक्लिन को तो जानते ही होंगे, हाँ गली बॉय और ये जवानी है दीवानी जैसे फिल्मों में काम किया है इन्होंने, पर क्या आपको पता है इनके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे? आप सोच रहे होंगे कि मैंने ग्रेट ग्रैंडफादर का क्यों पूछा, है ना, पर आप सुन के चौंक जाओगे कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर मॉरिस कोइक्लिन थे जो आईफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाने में चीफ बिल्डर थे। नंबर 9, जरा आप इस फोटो को देखिए, नहीं नहीं ये कोई फेक फोटो नहीं है और घबराइए मत, इसमें स्नेल को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। एक्चुअली स्नेल अगर ब्लेड पे सीधा भी चलेगा फिर भी उन्हें चोट नहीं लगेगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि स्नेल की स्किन बहुत ही ज्यादा स्लिमी होती है और उनकी मसल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से ये ब्लेड उनकी बॉडी के आर पार नहीं जा पाता। नंबर 8, क्या आपको पता है हाल ही में इंडिया के एक गांव में रहने वाली लड़की के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आए थे? उसको ये लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मिलते हैं, जिसका फॉर्म उसने 2 साल पहले भरा था। पर ये योजना में सरकार गरीब लोगों की घर बनाने में मदद करती है, ना कि 10 करोड़ रुपए देती है। फिर पता चला कि ये पैसे नवीन नाम का एक व्यक्ति इलीगली डाल रहा था और ये वही आदमी था जिसने उस लड़की के फॉर्म भरने में मदद की थी, क्योंकि ये लड़की अनपढ़ थी। इसलिए गाइस, भले ही कितनी भी मजबूरी हो, अपने पर्सनल डिटेल्स किसी को भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 7, ये फैक्ट काफी कमाल का है। एक बार एक रिटायर्ड टीचर प्लेन में सफर कर रही थी और तभी एक्सीडेंट से उन्हें पता चला कि इस प्लेन का जो पायलट है उसे इन्होंने 30 साल पहले पढ़ाया था। वाह, क्या हैप्पी इंसिडेंट था ये। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर स्टूडेंट टीचर रीयूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर की आंख में भी आंसू आ गए थे। नंबर 6, इंडिया में एप्पल फोन की काफी ज्यादा वैल्यू है और कई लोग आईफोन खरीदते हैं और आईफोन में चार्जर गायब हो जाने की वजह से उन्हें काफी बड़ा झटका लग गया, क्योंकि ना ही आईफोन सस्ता है और उल्टा ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे चार्जर खरीदने के लिए। और क्या आपको पता है ब्राजील ने $2 मिलियन एप्पल को फाइन किया है चार्जर निकाल के प्राइस कम ना करने की वजह से। कमाल है ब्राजील। नंबर 5, एलिफेंट्स भी काफी कमाल के एनिमल्स होते हैं। ये बिल्कुल ही ह्यूमंस जैसे फील करते हैं, जैसे कि अगर किसी एलिफेंट का कोई मेट या पार्टनर मर जाता है तो दूसरा एलिफेंट भी वहाँ बैठे रहेगा बिना खाए और पिए जब तक वो भी मर ना जाए। नंबर 4, एक रिसर्च में पता चला कि शार्क से COVID-19 की वैक्सीन बन सकती है और अगर ऐसा हुआ तो 500,000 शार्क को मार दिया जाएगा और कुछ तो शार्क पकड़ना भी शुरू कर दिए हैं। फिर से हमारी ग्रीड के लिए एक एनिमल को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। नंबर 3, ह्यूमन साइकोलॉजी से हमें पता चला कि हमारे ब्रेन को जो चीज मनाना सबसे मुश्किल है वो है कि आप किसी के लिए केयर नहीं करते। ये मानना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ब्रेन काफी ज्यादा इमोशनल हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है। नंबर 2, ग्लास एक ऐसी चीज है जिसका यूज हम सभी अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। आपके 10 मीटर में एक ना एक चीज ऐसी जरूर होगी जो कि कांच से बनी है। तो आखिर कांच बनाया कैसे जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ग्लास 2 टाइप के होते हैं, पहला नॉर्मल ग्लास, दूसरा स्पेशल पर्पस ग्लास, जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास एक्सेट्रा। मैक्सिमम चीजें नॉर्मल ग्लास से ही बनते हैं। तो नॉर्मल ग्लास बनाने के लिए सैंड यूज की जाती है, ऐसी सैंड जिसमें सिलिका ज्यादा मात्रा में हो। करीब 98% सिलिका होने वाली सैंड को ही यूज किया जाता है। फिर इसमें चूना और सोडा मिक्स किया जाता है, जिसमें 75% सैंड होती है, 15% सोडा ऐश और 10% चूना। फिर इसे मिक्स किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे सैंड के टुकड़े होते हैं। फिर इन सबको ग्लास के मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है और जब ये मिक्स होके सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड बन जाता है तब इसे फ्लैट या जो भी शेप में चाहो उसमें मोड़ दिया जाता है। और कई बार ग्लास जब गर्म होता है तब उसमें
उसमें केमिकल्स डाल भी देते हैं जिससे उसमें कलर आ जाता है। नंबर वन, होली आ रही है, ये तो आपको पता ही होगा और आपने एक ना एक बार तो सोचा ही होगा कि होली में कलर्स का यूज क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी। कृष्ण भगवान का जन्म ब्राउन कलर में हुआ था, यानी वो भी सांवले रंग के थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता था जैसे राधा उनसे कभी भी बात नहीं करेगी और इसीलिए वो कभी भी राधा से बात नहीं कर पाते थे। फिर जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा रंग इतना सांवला क्यों है और राधा का रंग इतना गोरा क्यों, तो माँ यशोदा ने जवाब दिया, अगर तुम्हें इस बात से चिंता है तो तुम उसे अपने कलर में रंग दो। और कृष्णा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद रंगों से खेलने का त्योहार लोगों के बीच फैल गया और पानी से होली खेलने का तरीका इसके कई साल बाद आया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।